आज आप यहाँ पे नामांकन करने के लिए आए हैं, किन मुद्दों पे दोबारा चुनाव मैदान में हैं? क्योंकि लगातार देखा गया कई जगह से ये विरोधाभास भी सामने आया कि आप जिले में नहीं आते हैं। देखिए ऐसा है, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने, और माननीय आदरणीय रामप्रसाद चौधरी जी के नेतृत्व में हम इस मंडल में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी के रूप में अपना भी नामांकन किया। रही लगातार हम समाजवादी लोग सड़क से लेकर फर्श तक संघर्ष करते रहे, और आपने अभी रिजल्ट भी देखा इस चुनाव का, बस्ती जिले में समाजवादी पार्टी ने 5 में से 4 सीटें जीती है। ये यहाँ की जनता का विश्वास मिला जिससे हमारे लोग यहाँ पे विधायक बने। सत्ता पक्ष से कैसे लड़ेंगे? सरकार उनकी कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी दबाव बनाती हुई दिख रही है। ये सत्ता पक्ष की छोटी चीज है, जब जनता साथ हो तो कोई मतलब नहीं होता किसी चीज़ का। हम लोगों के साथ जनता साथ है। ये आने 10 मार्च को रिजल्ट आपने देखा कि जनता किसके साथ है। प्रधान लोग हमारे माननीय हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, सभासद, सभी जो है हमारे प्रमुख लोग, जनता जब साथ थी तभी 10 तारीख में 5 में 4 सीटें समाजवादी पार्टी विधायक जीते हैं। इस चुनाव को भी हम लोग जनता के आशीर्वाद, अपने प्रतिनिधियों के आशीर्वाद से जीतेंगे। 6 साल से आप एमएलसी थे, बस्ती मंडल में क्या विकास किया? देखिए हम 3 जिलों के इस मंडल के एमएलसी थे, और जहाँ जिसको जो आवश्यकता हुई इलाज की, जहाँ भी कोई आवश्यकता है हम उसकी मदद करते। विकास क्या किए? जनता का मुद्दा विकास है, तो विकास के लिए वो आया, हम विकास किए जहाँ पर जरूरत पड़ी। अभी हाल ही में आपके 2 विधायक पर एक तरह से आरोप लगा, एक डुमरियागंज में, एक बस्ती सदर विधायक पर अपहरण का, इसको लेकर वो देखिए वो सब विवेचना का विषय है। और हाँ, उस संबंध में मैं कहूँगा जो प्रमुख जी हैं वो 4 महीना पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने तमाम आप ही लोगों ने उनका जो इंटरव्यू लिया, इसके बाद वो यहाँ पे आए, जिला अधिकारी कार्यालय गए, उन्होंने एक लेटर सौंपा, जिला प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौके पे मौजूद थे, उन्होंने हमारे जो महन जी हैं उनको अपना प्रतिनिधि बनाया, उन्होंने कहा भाई हम आप ही के साथ रहेंगे, तो रह रहे थे। 2-3 दिन में ऐसी स्थितियाँ बनी तो पुलिस को मेरा कहना है कि निष्पक्ष उस पर विवेचना करें, किसी के कहने पे ना आए, निष्पक्ष विवेचना करें क्या सही है क्या गलत है। कहीं ना कहीं पूरा मामला शासन के दबाव में हुआ। मैं पुलिस से ये कहना चाहूँगा निष्पक्ष उस पर जांच करो। शुक्रिया। ठीक है, धन्यवाद।